सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हुड्डा पर जातिगत राजनीति के लिए प्रदेश को जलाने का आरोप लगाया, हरियाणा को जलाने का दोषी ठहराते हुए समाज के लिए कलंक बताया। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके और बोले कि इन्होंने हरियाणा को कलंकित करने के साथ जाट समाज का भी नाम बदनाम किया। और ये जो भ्रष्टाचार के नाते से आज जो सारा अपना जाल फैलाया हुआ है, और खास करके ये परिवारवाद की जो चौधर करते हैं, ये कहते हैं चौधरी बनेंगे, यहाँ चौधर लाएंगे, चौधर किसकी लाएंगे, क्या उन दलालों की, बिचौलियों की, रिश्तेदारों की चौधर लाएंगे? जनता को कोई नहीं पूछता। आज अगर चौधर हरियाणा की है तो 2.5 करोड़ लोगों की चौधर है, मित्रों, 2.5 करोड़ लोगों की। हम बाप बेटा सोनू मोनू इनकी चौधर नहीं चाहते। चौधर चाहिए तो यहाँ के नागरिक की चाहिए। और फिर ये जो कलंकित लोग हैं, इनको तो भैया दूरी रखना। ये कलंकित लोगों ने इस प्रदेश के ऊपर भी कलंक लगाया। रोहतक के लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये मध्य हरियाणा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, इसको जलवाने वाले यही लोग हैं। तो इन्होंने योजना से जलवाया है और जातिगत पॉलिटिक्स करने के लिए जलवाया है। ये जातिगत पॉलिटिक्स करने नहीं देंगे। और मैं साफ कहता हूं, इन्होंने जाट समाज को बदनाम किया है, जाट समाज को बदनाम किया है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जिसके चहेते राजनीति सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की वो वीडियो, तो आप ऑडियो तो सुन ली होगी ना, सुनिए ना वो ऑडियो। भाई हमने तो रोहतक में काम कर दिया, हम क्या कर रहे हो, वो जलवाना चाहते हैं दूसरे हिस्से को। ये तो बाकी सारे प्रदेश में लोग समझदार थे, यहां भी राजनीतिक लोगों ने किसी एक जाति विशेष ने नहीं किया। लेकिन जाति विशेष का ये जो तोड़ने फोड़ने का काम ये जो किया है, चाहे वो यशपाल मलिक ने किया हो और चाहे वो राजकुमार सैनी ने किया हो, हम इन सबकी निंदा करते हैं, हम इन सबकी निंदा करते हैं। रोहतक से विकास ओलियान की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यस टीवी।